नहीं पियोगे जब भी तो अकल चलेगी। हाँ लगा 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 ये है। अरे बंधु कैसा लग रहा पानी? ओ बंधु कैसा लग रहा है? बड़े महादेव का पानी। अच्छा अच्छा हाँ पानी पियोगे जब भी तो अकल चलेगी। हाँ लगा 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 ये है। अरे बंधु कैसा लग रहा पानी? ओ बंधु कैसा लग रहा है? बड़े महादेव का पानी। अच्छा अच्छा हाँ वाकई में बड़े महादेव तो स्थान तो बहुत जोरदार है, मगर अभी यह झरने बंद है। 20 सितंबर 2023 अब ये 2-5 दिन पहले झरने बंद हो गए। हाँ तो आप हैं खुश किस्मत हो आप। हाँ तो कही है कि यो नहीं हमारे अड़ी महीना में भी पानी आई रही है कम बात नहीं झरना में। अच्छा भाई साहब आवे। अच्छा फिर बाकी सावन में देखे ज़्यादातर। हाँ अच्छा अच्छा 2 महीने तक पहाड़ों का इतना गजब का रहता कि पूछे मत। और ये जो आप पानी ये हाँ हाँ इस पानी की विशेषता क्या है? कैंसर तक पहुँच जाता है। कैंसर तक अच्छा कैंसर तक बीमारी। हाँ मुझे कई लोग वो बता रहे थे अभी। हाँ हाँ वो बानपुरा वाले ही बता रहे थे अंकल जी और बता रहे थे कि मेरे को शुगर की बीमारी हो रही तो मैं ठीक हो। हाँ लोकल लोग यहाँ को पानी डेली वापरे है और यहाँ का सबसे कम शुगर पेशेंट बानपुरा में ही है पूरा मंदसौर जिला में। अच्छा जड़ी बूटिया पानी पिए सब लो मैं पी लो भाई साहब। आप कहाँ से आए? बाबुलदा। बाबुलदा से तो ये आपको मतलब जो ये पानी के बारे में कुछ तासीर याद है क्या? पानी याद है सभी बीमारियों का मतलब पानी पीने से शुगर वगैरह खत्म हो जाती है। ये इसका पहाड़ का पानी पीने से? पहाड़ का पानी पीने से प्राकृतिक जड़ी बूटे का पानी आता है ऊपर से। अच्छा एक बात है कि जैसे पानी पीना आओ तो टावेल चड्डी भी ले आओ ना पी लो तो पानी पी लो थोड़ी कसरत भी हो जाए। अरे वाह यार भाई साहब आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जीतू भाई आपने पानी पिया कैसा लगा? अच्छा जड़ी बूटियों से जुड़ा हुआ है ना। हाँ हाँ तो मेरे मन में जो पहले शंका थी कि ये बीमारी का रोग दूर करता है बीमारी दूर करता है किसी भी प्रकार की छोटी मोटी के भी
तो आज भाई साहब से भी संकेत लिया, वो बात सही निकल गई। हाँ, तो जो पानी लेके ट्रेन लेके गए वो सही निकली। अरे वाह, बानपुरा एक और भाई साहब खड़े, इनसे बात करते हैं। आप कहाँ रहते हो भाई साहब? अच्छा, यही रहते हो आप? क्या बताएंगे इस पानी के बारे में? अच्छा पानी है। नहीं, अच्छा तो है, पर अच्छा तो सभी ईश्वर की देन है पानी, तो पर इसमें क्या विशेषता है? पहाड़ियों से हरा पानी होता है। अच्छा, पहाड़ों से बीमारी वगैरह दूर करता है? अच्छा, पानी है। अरे हाँ, ये बात साफ सुथरा। ये हाँ, एक चतुर्भुज नाथ का मंदिर है। हाँ, वहाँ पे भी एक नाला नीचे जा रहा। हाँ, उस नाले के नीचे का पानी भी बहुत गुणकारी है। अरे वाह, चतुर्भुज नाथ में। और एक हाँ, ये कह रहे उसका एंडी ढूंढ नहीं पाएंगे आप, कहाँ से आ रहा, कहाँ जा रहा, क्या हो रहा। चतुर्भुज नाले का और काका जी का कुंड का। हाँ, काका जी कुंड का। हाँ, ये मेरे मन की बात कहती भाई साहब। हाँ, यहाँ पर बच्चे भी नहा रहे हैं और ये मौज मस्ती का, ईश्वरीय भक्ति का और आध्यात्मिक भक्ति का, स्वास्थ्य का केंद्र है भानपुरा बड़ा महादेव। हाँ हाँ, भोलेनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। हाँ हाँ, हे भोलेनाथ की जय हो। ओम रिद्धि सिद्धि के दाता की जय हो। ये जितना भी पानी आता है भोलेनाथ के द्वार पे, हाँ हाँ, ये सब जड़ी बूटियों का पानी है क्या मुकेश? तो सब जड़ी बूटियों का पानी है, तो पीले नहीं हम पानी लेने? अच्छा, चढ़ा चढ़े चढ़े दे, हम चढ़ा चढ़ा। हाँ चढ़ा बंधु, आप भोलेनाथ के जल चढ़ाओ। हाँ हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ति यमामृता। ओम नमामि शंकर भोलेनाथ की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ति यमामृता। ओम महादेवाय नमः। ओम शंकर भोलेनाथाय नमः। शिव पार्वती नमः। ओम शिव नमः पार्वती पति हर हर महादेव की जय। निकालेंगे देखा, ये भोलेनाथ को याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, बड़े महादेव की जय हो। हाँ हाँ हाँ, ये बड़ा महादेव के आज दर्शन हुए भोलेनाथ के, और यहाँ जड़ी बूटियों वाला पानी का भी आनंद लिया। और पानी जो गिर रहा है दोस्तों, अब ये एक ही झरने चल रहे हैं छोटे वाले, अभी बड़े वाले झरने चल ही रहे हैं। अब ये सावन का महीना होता है ना, उस सावन के महीने में चलते हैं। अब सावन का महीने के बाद में अभी झरने वरने और पानी गिरना बंद हो गया अब, है ना? बस ये इतना ही। हाँ।